Welcome to our 7th standard math lecture. Today we are going to see the next part of the 4th lesson, that is angle and pair of angles. In last video we see the supplementary angles and complementary angle difference. Now we see the how to find out the supplementary angles and what is meant by the supplementary angles. First, definition of the supplementary angle. If the sum of the measures of two angles is 180 degree, मतलब जैसे हमने complementary angles देखी थी कि जब दो angles की addition, दो angles की summation means उनकी addition जब 90 degree होगी तो वो क्या होगा complementary angle, और जब दो angles की measurement कितनी होगी 180 degree होगी तब वो angles होंगे वहाँ पे supplementary angles. वो angles क्या होंगे supplementary angle. हम क्या देखें pairs देखें, तो दोनों एंगल्स की जब एडिशन क्या होगी यस 180 डिग्री तब वो क्या होंगे सप्लीमेंट्री एंगल. एग्जांपल एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री. एंगल ए प्लस एंगल बी मतलब उन दोनों की एडिशन मेजरमेंट की एडिशन 180 डिग्री आ जाए तो क्या हो जाते सप्लीमेंट्री एंगल. नाउ वी सी द नेक्स्ट ऑफ द प्रैक्टिस सेट 7. जैसे हम प्रैक्टिस सेट 6 से भी सेम तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किए थे, यहाँ पे भी हमें क्या करें सेम क्वेश्चन सॉल्व करें, बट इसमें क्या थोड़ी सी वर्ड प्रॉब्लम और एक्स्ट्रा देंगे. नाउ स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. मैं क्वेश्चन रीड आउट कर रही हूँ. राइट द मेजर्स ऑफ द सप्लीमेंट्स ऑफ द एंगल्स गिवन बिलो. हमें क्या बोला गया कि कुछ एंगल्स की मेजरमेंट दी गई और उनके क्या करने हमें सप्लीमेंट्री एंगल्स निकालने, क्या करने सप्लीमेंट्री एंगल्स निकालने. तो स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज फर्स्ट में से फर्स्ट क्या है 50 डिग्री. ओके, जैसे हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का राइटिंग वर्क किया सेम तरीके से सिर्फ यहाँ पे क्या होगी सप्लीमेंट्री. लेट अस सपोज दैट आंसर, लेट अस सपोज दैट हमें क्या लिखना है सप्लीमेंट्री एंगल, इसलिए हमें क्या लिखेंगे लेट अस सपोज दैट सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 15 डिग्री, ऑफ 15 डिग्री इज ए. मैं उसे क्या करूं ए अजूम कर रही हूं, आप उसे एक्स वाई कोई भी अजूम कर सकते हो. ठीक है, अभी देखते हैं नेक्स्ट, दैट इज एंगल ए प्लस 15 डिग्री इज इक्वल टू कितने यस 180 डिग्री, 180 डिग्री. हम उसे क्या करेंगे अभी 15 यहाँ पे क्या है आर, तो उस टाइप के चलते क्या होगा राइट आंसर को यस माइनस. देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 15 डिग्री, देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल टू क्या है 165 डिग्री, 165. फाइनल आंसर सेम तरीके से सिर्फ ये लिखना है देयरफॉर हेंस, या देयरफॉर लिख सकते हो हेंस सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 15 डिग्री, ऑफ 15 डिग्री इज 165, इज 165 डिग्री. इस तरीके से आप क्या कर सकते हो जो आंसर है जैसे 165 डिग्री आंसर उसे क्या कर सकते हो चेकआउट कर सकते हो. तो क्या करना है आपको जो क्वेश्चन का मेजरमेंट है प्लस आपका जो आंसर है उसकी मेजरमेंट दोनों की क्या कीजिए एडिशन, और एडिशन 180 डिग्री आगे मतलब आपका आंसर क्या है राइट. नाउ वी सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. मैं अभी डायरेक्टली जो 6 नंबर का क्वेश्चन है 0 डिग्री और लास्ट का क्वेश्चन उसे दिखा रहे आप लोगों को कि कैसे सॉल्व करना है. रिमेनिंग के सेम तरीके से आपको क्या करने सॉल्व करना, सेम पैटर्न सिर्फ आपको क्या करने मेजरमेंट अलग है. फर्स्ट अभी क्या है 6 नंबर का 0 डिग्री, तो यहाँ पे लिखेंगे लेट अस सपोज दैट, लेट अस सपोज दैट क्या सपोज करेंगे, क्या सपोज करेंगे हम यस लेट अस सपोज दैट सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ किसका
letters. Suppose that supplementary angle of A degree is angle. अभी देखो यहाँ पे A degree already दिया गया है, तो मैं यहाँ पे A ही assume करूँगी, मैं X assume करूँगी उसे, it's X, okay? तो यहाँ पे लिखेंगे angle A degree plus angle X degree is equal to 180 degree, okay? अभी angle हमें क्या करनी है? Angle A का supplementary angle तो यहाँ पे जैसे आएगा दैट इज एंगल ए. अभी देखो एंगल ए की वैल्यू क्या है, जो एंगल ए डिग्री क्या है, तो हम क्या करेंगे एक्स रखेंगे यहाँ पे, एक्स डिग्री इज इक्वल टू एंगल ए डिग्री क्या होगा, यहाँ पे प्लस है उस साइड पे माइनस, तो 180 डिग्री माइनस ए डिग्री, यहाँ पे एंगल नहीं लिखा तो भी चलेगा, ठीक है? ये मेजरमेंट ही यहाँ पे एंगल लिखने की जरूरत है, क्योंकि ये क्या है मेजरमेंट. तो क्या आएगा एंगल एक्स डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ए डिग्री. तो फाइनल आंसर क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ ए डिग्री इज 180 माइनस ए. ओके, अभी यहाँ पे आंसर आपको चेक आउट करने तो कैसे करना है, देखो मैं ऊपर बताती हूँ. जैसे जो एंगल मेजरमेंट लेगी वो तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ ए डिग्री, प्लस जो आंसर आया आंसर क्या 180 डिग्री माइनस ए डिग्री, उसे क्या करना होगा हमें ऐड करना होगा. अभी ए डिग्री प्लस ब्रैकेट के बाहर 180 डिग्री माइनस ए डिग्री प्लस ए डिग्री माइनस ए डिग्री कैंसिल हो जाएगी. फाइनल आंसर क्या है ना 180 डिग्री, मतलब जो हमने आंसर निकाला वो आंसर क्या हमारा सही है.